हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 करेंगे। जिस तरह अभी हम लोगों ने सभी वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से किया था, इसको भी शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्या, आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन करने वाला हूँ, जिसमें 2 मैं करूँगा और 1 आप। जो सबसे पहले 5 मेंबर्स कमेंट में सही आंसर देंगे, उनका नाम मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इससे होगा क्या, आपको मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी करने की स्पीड। मैं आगे से अपनी सभी वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चंस आपको करने को दूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। 1 रुपए में 25 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। बताइए उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप कीजिए और पहले तो देखिए, फिर आप करना। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा CP 100 मान के चलना है। कितना? CP 100। और मैंने अभी जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उसमें भी मैंने आपको बताया कि CP 100 मान के चलिए। आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को जरूर देखिए। तो CP 100 मान के चलिए। CP होता क्या है? कॉस्ट प्राइस। जो हम लोग खरीदते हैं कुछ भी चीज़, तो वो हम 100% पर खरीदते हैं। तो कॉस्ट परसेंट, जो कॉस्ट प्राइस है, वो आपको 100% मान के चलना है। अब यहाँ दिया हुआ 1 रुपए में 25 वस्तु बेचने पर। बेचने पर क्या है? सेलिंग प्राइस। तो जो बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ 100 रुपए की खरीदी और उसे 120 रुपए में बेच दी, तो आपको 20% का प्रॉफिट हो गया या 20 रुपए का फायदा हो गया। ये भी कह सकते हैं 20% का प्रॉफिट और 20 रुपए का फायदा, तो दोनों ही चीज है। अब यहां पर दिया हुआ है 20% का लाभ होता है, मतलब है कि कोई भी चीज आपने 100% पर खरीदी और 20% लाभ पर बेच दी, तो या तो 100, आप मैंने कहा है ना कि आप CP को 100 मान के चलिए, तो बहुत इजी हो जाएगा। CP को आप 100 मान के चलेंगे, आप एक व्यक्ति को बेचने पर कितना होता है? 20% का लाभ होता है। तो 100 में 20 को जोड़ दीजिए, अगर हानि होती है जितनी की हानि होती है उतना घटा दीजिए 100 में, और लाभ हो रहा है तो जोड़ दीजिए। कितना होता है? 20% का लाभ होता है, मीन्स 120 बेचने पर हो रहा है ना। क्या हो रहा है? 20% का लाभ बेचने पर। कितना? 1 रुपए में 25 वस्तु बेचने पर। 1 रुपए में 25 वस्तु बेचने पर, बहुत ही इजी है। बताइए उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी। अब खरीदने की बात आ गई, उसने हमसे खरीदना पूछा है। खरीदा क्या है? खरीदा खरीदा कितने में जाता है? 100 में, 100% में। तो आपको 100% का निकालना है। 1 रुपए में कितनी खरीदी अभी ये पता नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को किया गया जाता है। 120 दिया हुआ है, 100 100 निकालना है, या मान लीजिए कम दिया होता ज्यादा निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको, जैसे 120 है 100 निकालना है, तो आप क्या करेंगे? पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे। जब 1 की वैल्यू पता चल जाएगी, तो आप 100 की भी इजली निकाल लेंगे। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ी संख्या को भाग दे देंगे। ये 2 चीज आपको याद रखनी है। जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकालनी हो, मीन्स देखो 120 से 1 निकालना है, तो आपको बड़ी संख्या से भाग देना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटी से बड़ी निकालना है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। अभी जब पहले 120 से 1 निकालेंगे तो आप भाग देंगे, लेकिन जब 1 से 100 निकालेंगे तो आप 100 का गुणा करेंगे। तो देख लीजिए कैसे, 120 का निकालना है, मीन्स 120 से 1 का निकालना है। तो जब 1 का निकालना है, तो 1/25 गुणा 120 से भाग देना है, तो यहां पर आ गए 120 से 1 का इसका भाग दे देंगे। अब हमें 1 की वैल्यू मिल गई, 100 की निकालनी है। तो जब 1 की वैल्यू मिल गई, तो 100 की कैसे निकालेंगे? 25 गुणा 120। 100 की निकालने के लिए हमने बताया गुणा करना पड़ता है, तो गुणा कर दीजिए। और अब यहाँ बस जो कट होता है, कट पिट होती है, उसे कट कर लीजिए। 25 से 4 टाइम्स, 4 से 30 टाइम्स, मीन्स 4 3 12 0 का 0, 4 3 12 0 का 0। तो आपको आंसर मिल गया कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी उसने। 1 रुपए, यहाँ पे 1 बचा और 30, तो 1 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी। तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 1 रुपए में 30। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हानि पर दिया हुआ है। अगर आप इसे कर लेंगे, तो आप तो सभी टाइप, इसी जो भी इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं अभी आपको देने वाला हूं, आप उसे करिए। तो
हानि वाला देखते हैं। 1 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदी गई, उन्हें बेचने पर 4% की हानि हो तो बताइए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची गई। यहां पर खरीदा गया है और 1 रुपए में कितना बेचा गया, तो अब आपको पता है CP 100 मान के चलना है, खरीदने का कितना है, CP 100 मान के चलिए। तो 1 रुपए में 24 वस्तु खरीदी गई मीन्स 100% बराबर कितना है, 1/24। 1 रुपए में 24 खरीदी गई, उन्हें बेचने पर 4% की हानि हो गई, मीन्स 4% की हानि हो गई, तो 100 में 4 घटाए तो 96 हानि हुई, तो बताओ 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची गई। अब हमें पता नहीं है 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची गई, पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। कैसे निकालेंगे, जब आपसे मैंने कहा था बड़े से छोटा निकालना है, छोटे से बड़ा निकालना हो, तो पहले आपको 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब 100 में इतनी है तो 1 में कितनी होगी, बड़े निकालने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, 1/24 गुणा 100, 100 से भाग दिया तो यहाँ 1 की वैल्यू आ गई। अब 96 की निकालना है मीन्स 96 की, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 24 × 100, और जब छोटे से बड़े की निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 96 का, तो 24 से 4 टाइम्स कट गया, 4 से 25 टाइम्स कट गया, तो आपको पता चल गया कितनी वैल्यू आ गई, 1/25। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए और वीडियो पोज करके मींस रोक दीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, चाहे आंसर कॉपी में निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो मैं वेट करता हूँ आंसर्स का।